सागर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 19,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव सरकार को मिले हैं। बंसल ग्रुप ने 4 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 1 फाइव स्टार होटल और सोलर प्लांट लगाने के लिए 1350 करोड़ रुपए निवेश करने की बात कही। मध्य भारत एग्रो कंपनी बंडा में 500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। वहीं गीतांजलि ग्रुप ने निवाड़ी में 3200 करोड़ रुपए का इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट लगाने की बात कही। इससे पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, सागर के सुर्खी में डाटा सेंटर स्थापित करने के लिए बड़ा प्रस्ताव मिला है। सागर के बाद क्रमशः रीवा, नर्मदापुरम और शहडोल में रीजनल इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद जिला स्तर पर भी कॉन्क्लेव करने और अच्छे परिणाम लाने के लिए कलेक्टर को पाबंद किया गया है। कॉन्क्लेव में ओरछा, खजुराहो को डेस्टिनेशन वेडिंग और होटल इंडस्ट्री का हब बनाने का प्लान है। सागर के पुराने बीड़ी और अगरबत्ती उद्योग को पुनर्जीवित करने की भी फोकस है। छतरपुर के फर्नीचर, दमोह के चने, टीकमगढ़ के अदरक और सागर के टमाटर को देश दुनिया में पहुंचाने की तैयारी है। सागर की ढाना हवाई पट्टी को एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव आया है।